मॉर्निंग गाइस, सो अब हम निकल रहे हैं लक्ष्मण झूला के लिए और टाइम हो रहा है 9:30। यहाँ हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। हाँ यही खड़ी करनी है, बस पैदल जाना है वहां से। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। बाय बोलते हुए हमारे ट्रिप का आखिरी दिन, पांचवा दिन। हर हर महादेव। टाइम हो रहा है 10:45 और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। सो यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो है किसी ढाबे को ढूंढना और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना। और अगर बात की जाए गंगा वाटर की तो वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और बिल्कुल ही शांत है, बहुत ही ज़्यादा काम है। फाइनली हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। हमने लिए कुछ पकौड़े, चाय और एक एक पराठे। अगर बात की जाए अब तक के सफ़र की तो वो काफ़ी अच्छा गया है, क्योंकि हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला है और होपफुली हमें आगे भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और यहाँ से जो रास्ता है वो पूरा का पूरा हाईवे ही है, सो हम कॉन्टीन्यूसली ड्राइव ही करेंगे। और जो हमारा अगला स्टॉप होगा वो होगा रोहतक, क्योंकि वहाँ हम पीने वाले हैं बढ़िया सा बढ़िया शेक। सो ये वो शॉप थी जहाँ लास्ट टाइम हमने ऋषिकेश ट्रिप पे शेक किया था, बनाना शेक अल्टीमेट वाला, और आज उसके पास नहीं है। तो फिर कभी आना होगा इसी रास्ते ताकि एक बार और शेक को हम पी सकें। कभी कभी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्या कर सकते हैं। चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं आगे। सो गाइस, हमने छोड़ दिया है हाईवे और यहाँ से हम लेंगे विवेक सोलंकी का फेवरेट रास्ता, नहर वाला रास्ता। अरे यार,
बता दे भड़वा बाजार, भड़वा बाजार। रियली गाइस, जो उत्कर्ष के गांव का नाम है वो भड़वा बाजार ही है, लेकिन अब तक उसने इस नाम के पीछे की स्टोरी हमें नहीं बताई है। सो हम कोशिश करेंगे कि उस स्टोरी को जल्द से जल्द जानें और आप तक ज़रूर पहुंचाएं। सो हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं गंगा कैनाल रोड पे, और ये हमें मुरादनगर तक ले जाएगा, जो कि होगा यहाँ से अराउंड 80+ किलोमीटर। उसके बाद हम ले लेंगे राइट गाजियाबाद जाने के। गाइज, हम लोग फिर से उसी पेड़े पहुंच चुके हैं जो हमें ऋषिकेश राइड में मिला था। इस बार ये थोड़ा घना नहीं है, थोड़ा पतझड़ की वजह से पत्ते उखड़ गए हैं। जू तो आए थे नहीं भाई, पत्ते ही नहीं इस बार भाई। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा थे और एकदम भरा हुआ था पूरा पेड़ मस्त सा। वहां रुककर हमने कुछ लिए फोटोग्राफ, और फिर उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ली, और उन फोटोज को देखने के लिए फॉलो मी इंस्टाग्राम। चोटी वाला गाइस, हर बार की तरह इस बार भी हम रुके हैं चोटी वाला पे अपने इवनिंग स्नैक्स के लिए, और फिर उसके बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चाय पकौड़े खाने के बाद विवेक और उत्कर्ष में एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ गई है, और वो बिल्कुल फन मूड में आ चुके हैं। फाइनली हम लोग मुरादनगर पहुंच गए। टाइम करेक्ट 5 बज चुका है, 5 PM। पुलिस कम से कम यहाँ से 1 घंटा और लगेगा अपने घर पहुँचने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, हर बार की तरह आज भी उतना ही जाम है जितना हर संडे को होता है। संडे इवनिंग यहाँ आना इज़ा हेडेक। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी एकदम चिपकी से चिपकी होती है। दूर जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, सो करते हैं हम इस सीरीज़ को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अगली ट्रिप में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और हाँ, दुआओं में याद रखना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन।